नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। दिल्ली में जदयू की अहम बैठक होने जारी है और कहा जा रहा है कि ये बैठक बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जदयू की जिम्मेदारियों से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। सूत्रों के अनुसार ललन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है और इसी दौरान विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारी के लिए भी उन्हें सक्रिय रहना होगा, बैठकों में बार बार जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पार्टी के राष्ट्रीय जिम्मेवारी और अपनी चुनावी तैयारियों के साथ वह न्याय नहीं कर पाएंगे। सूत्रों का दावा है कि ललन सिंह के आग्रह को लगभग मान लिया गया है। सूत्रों के अनुसार जदयू के संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, बिहार की राजनीति के हिसाब से बड़ा निर्णय हो सकता है। दिल्ली में 28-29 दिसंबर को होने वाली जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं कार्य परिषद की बैठक के दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की छुट्टी हो सकती है। भाजपा से निकटता के चलते आरसीपी सिंह को हटाकर ललन सिंह 31 जुलाई 2021 को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी। दूसरी बार 5 दिसंबर को उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। अब उन्हें स्वयं ही अपने पद का त्याग करने की इच्छा जताई है। ललन सिंह बिहार में कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जगह नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री एवं वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी एवं राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर सहित अन्य नामों पर भी विचार किया जा रहा है। नीतीश कुमार के प्रति बिहार भाजपा नेताओं के प्रतिक्रियाओं में हाल ही में आई नरमी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद का पक्ष लेते हुए ललन सिंह की कुछ बयानों के आधार पर महागठबंधन में परिवर्तन की बातें भी उछाली जाने लगी हैं। दिल्ली में जदयू की अहम बैठक होने वाली है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये संभव है कि ललन सिंह की जदयू की जिम्मेवारियों से छुट्टी हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये इच्छा जताई है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लगभग उनकी ये बात बात भी ली गई है। अब इस बैठक में क्या कुछ होता है, क्या ललन सिंह के जदयू के राष्ट्रीय पद से छुट्टी हो जाती है, ये जल्द ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।